फैमिली, वेलकम बैक टू माय दीपक जैसा ब्लॉग पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह हो चुका है और आज ज्योतिया का पूजा भी है, इसके लिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ जल्दी खाना बना लूँ। अभी पूजा का भी सामान बनाना होगा फैमिली, तो जल्दी जल्दी की तैयारी। देखिए मामी जी जुड़ चुकी है सुबह सुबह और आलू प्याज लहसुन सब काट रही है, प्याज भी काट रही है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और आज की वीडियो में आप लोग शुरू से ही और लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो के अभी बना दी है हमारे लिए अभी चाय भी बन रहा है, भाभी जी चाय बना रही है, चाय हो जाएगा तो इधर दूध रखा हुआ चढ़ने के लिए। इधर क्या हो रहा है? चावल डाले आज सुबह सुबह खाना बनाना है क्योंकि गैस का काम लगेगा। ऐसी भी भाई से ना परी है। मम्मी बैठी हुई है, आज बुलाते हैं मम्मी हमारी, आज पूजा करेंगी, बोल नहीं पा रही है। हाँ तुमने कर दी है, कैसे ताकती है इसको देख तो चिंते ही होंगे आप लोग कौन है ये। इसका चेहरा देख लीजिए कैसा लग रहा है। आज इसको बुखार हो गया है, सही हो गया फिर भी लेकिन हल्का फुल्का बुखार है, डाउन है। क्या दवाई खाए हो? कौन खिलाया है? खुजली वाला खाए थे और बुखार का नहीं खाए हो? कुछ लोगे क्या? कुछ लोगे क्या? नहीं। क्या लोगे? कुछ नहीं लोगे। ऐसा देखे जो मुझे बताया था फॉलो ला गया है। और ये देखिए पूरा फल यहाँ पे बन रहा है, गुजिया की तैयारी हो रही है पूजा पाठ की। और इधर लोई बेला हुआ है, इधर मम्मी जी हमारी बेल रही है, और इधर हमारी बहन प्रिंसी। ये क्या बना रही प्रिंसी? गुजिया। गुजिया ये खोआ का है, ये गुड़ का बन रहा है। हाँ। गुड़ और खोआ मिक्स है क्या? नहीं, गुड़ और सोट है, खोआ का ये है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे खोआ का बन रहा है और गुड़ का भी। आप लोग भी कभी सुने हो गुड़ का गुजिया बनता है कभी? हाँ। अच्छा तो देखिए इधर आधा बन के तैयार हो गया है, अभी ये चढ़ेगा, वैसे तो हम नहीं खा सकते बिना चढ़े हुए। और इधर देखिए भाभी जी सोनपरी, हे सोनपरी भाभी, इधर स्वयं परी अपनी मम्मी के साथ खेल लेती हुई। आज इसका नोजी आ रहा है क्या? मुस्कुरा रही है। इधर देखिए सब तैयारियाँ हो ही रही है, बन रही है। अभी हम लोग को और चीज़ें दिखाएंगे, बने रहेगा ब्लॉग को छोड़ के मिल जाएगा। इधर मम्मी वाली बेल रही है, देखिए कैसे बेल रही है। आज तो खाने का मजा तो पहले चढ़ जाएगा फिर खाने का मजा आएगा। कल मिलेगा, लीजिए। हम सोच रहे आज ही मिलेगा लेकिन तो मिलेगा कल। ये छन रहा है तेल में रिफाइन में छन रहा है। इधर मम्मी हमारी पूरी बेल रही है, इधर देखिए अभी अपना काम कर रही है, मम्मी का सहयोग बटा रही है। और भाभी जी परी को लिए संभाल रही है, इसका सेवा कर रही है। इधर कार्तिक देखिए कितना मस्ती कर रहा है। ये क्या डिजाइन बन रही है, मुझे क्या गोल गोल, ये भी एक कला ही है। अब ये खोआ का बन रहा है, इधर तेल में छन रहा है। ये गुजिया बन रहा है ये गुजिया बन रहा है। ये मम्मी हमारी बेल के दे रही है और इधर छन भी रहा है। अब मैं निकलने वाला हूँ बाहर, जाना है बनारस मुझे, तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे हम रास्ते में। A few moments later बीच हम पहुँच चुके हैं सिरकाहू बाबा और घर पर पूजा की तैयारी हो चुकी है। मम्मी व्रत हैं और वहाँ गए होंगे दर्शन करने और वहाँ दिखाते होंगे अपना, बाकी लाएंगे हम लोग आपके बीच में सब चीज़। आप लोग को बैक कैमरे पे यहाँ का पूरा लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ कितने मेला लगा हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए ये है सिरकाहू बाबा जो कि बनारस और भदोही के रास्ते में पड़ते हैं। और यहाँ देखिए पंडा पुजारी सब बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे सामने बाबा हैं। और देखिए बच्चे पेड़ पर झूल रहे हैं सब लोग, यहाँ पे कितना मेला लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है जब यहाँ का वार्षिक श्रृंगार होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का वीडियो कभी हम, बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ही मान्य है इस मंदिर का। आने जाने वाली हर गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जैसे मैंने आपको कई ब्लॉग में हमारा ये आ चुका है ये सीन।
और यहाँ के पुजारी जी हैं संजय यादव जी, जो कि यहाँ के मैनेजमेंट भी देखते हैं और यहाँ का देखभाल भी यही करते हैं। इनके अंडर में जो भी पूजा होती है वार्षिक श्रृंगार बहुत ही बेहतरीन होती है और दिसंबर में होने वाली है, तो आप लोग को वहाँ का हम वीडियो दिखाएंगे दिसंबर में जब यहाँ का बाबा का वार्षिक श्रृंगार होगा। बहुत ही दिव्य बहुत ही भव्य होता है। आइए बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहते हैं और यहाँ की चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं हम यहाँ का नज़ारा। सबसे बड़ी बात यहाँ की जो भी गाड़ियाँ आती हैं बाबा का दर्शन करके ही जाती हैं। दिसंबर में जब बाबा का श्रृंगार होगा तो आप लोग को दिखाएंगे और लाखों की भीड़ होती है यहाँ पे, कम से कम लाख डेढ़ लाख की भीड़ होती है। एक से एक नेता, एक से एक मंत्री और अधिकारी लोग भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, बढ़ते हैं बनारस की तरफ, अपना काम भी कर लेते हैं और जो भी रास्ते में आएगा आप लोग को दिखाते रहेंगे। और घर पे मम्मी जी पूजा कर ही रही हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फैमिली इसी बीच हम पहुंच गए बनारस शाही रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैंने कुछ खाने का मन हो गया क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी जो ऑर्डर दिया हुआ आप लोग को दिखाते हैं क्या ऑर्डर दिया मैंने और क्या आता है खाने के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ, आप लोग को दिखाते हैं हम। और ये रेस्टोरेंट देखिए कैसा है, और जो बनारस के होंगे जो जानते होंगे शाही रेस्टोरेंट लोग को पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो आप लोग भी आइएगा यहाँ पे खा पी के जाइएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट। और हमारा डिश आ गया है, देखिए हम क्या खाने के लिए तैयार हैं। ये है इडली, आप लोग को दिख रहा होगा इडली कितना बड़ा बड़ा है, और गांव में तो बहुत छोटा छोटा था, कितना बड़ा बड़ा पीस। और यहाँ का देखिए इडली कितना बड़ा है, चलिए दिखाते हैं हम लोग को बैक कवर करके हम क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए है इडली कितना प्यारा लग रहा है, और साथ में सांभर भी चटनी भी है और सांभर तो इसमें है और इडली में उसमें डूबा हुआ है। अब खाने के बाद बताते हैं कैसा स्वाद है, तो फैमिली खा के बताते हैं कैसा है स्वाद इसका। ये है इडली और ये है चटनी, और दो साथ में इसका खाते हैं, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी आएगा बनारस तो ज़रूर खाइएगा इडली और सांभर और चटनी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो यहाँ पे बनारस में हूँ और हमारी मम्मी घर पे व्रत है, जैसे आज जूतिया की पूजा है और वहाँ पे सब प्रोग्राम चल ही रहा होगा, थोड़ा शोरगुल भी बैकग्राउंड की आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझदार हो और समझोगे भी कि इडली खा रहा हूँ मैं। आप भी खाना चाहते हो तो आ जाओ, खिला देते हैं हम। देखिए मसाला डोसा भी आ गया है, मसाला डोसा तो आ गया और इडली यहाँ ख़त्म होने वाली है तो मसाला डोसा आ गया है, कितना खाएंगे अकेले हम। इधर देखिए सांभर चटनी और जो भी उसका स्वाद है वो सब तो आ चुका है, और यह हमारी इडली ख़त्म हो गई है। A few moments later. अब मम्मी हमारी पूजा कर रही है, चाची लोग बैठे हुए हैं हमारी, सब चारों चाची आई थी, बुआ भी आई थी, कार्तिक बेटा उधर खेल रहा है और ये वीडियो हमारी बहन शूट कर रही है, क्योंकि मैं इस समय बनारस था, मैंने कहा आप शूट कर लो और फिर मुझे दे देना, तो उसने शूट करके मुझे दे दिया। और मम्मी हमारी देखिए पूजा कर रही हैं जूतिया माँ का, और सब लोग जूतिया माँ का व्रत थी, हमारे घर में सभी लोग थे, तो मम्मी हमारी पूजा करती हैं क्योंकि मम्मी सबसे हमारी बड़ी हैं अपने सभी हमारे सभी चाचियों से। और इधर देखिए हमारी बुआ जी सामने है पेड़ के बगल में, आप लोग को दिखाते हैं अभी हम, उधर कार्तिक खेल रहा है, ये देखिए बुआ जी सोना परी को लियो सोना कदो मेला घूमने सोना क्या। और भाभी जी देखिए कार्तिक लेके बैठ गई हैं, चाची हमारी बैठी हुई हैं। और ये मंदिर बहुत पुराना है, ये आपको दिखाते हैं, राधा कृष्ण का दर्शन भी करा देते हैं हम लोगों को। मंदिर भी बहुत पुरानी है, जब हम पैदा नहीं हुए तब की ये मंदिर बनी हुई है। सामने राधा कृष्ण है, आप लोग को दिखाते हैं, देखिए सामने भगवान का दर्शन कर लीजिए आप लोग। जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण, आप लोग देखिए मंदिर कितना प्यारा है। देखे देखे।